अब तक आपने देखा कि कैसे ट्रेन में फल बेचने वाला एक सिंपल इंसान मुंबई आके अच्छी खासी तरक्की करता है, कैसे स्टैम्प पेपर बिजनेस को समझ के फेक स्टैम्प पेपर्स बना के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, जिसके लिए उसने बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट बनाए और उनको पैसे खिलाए। लेकिन उसकी डांस बार में की गई एक गलती उसे इतनी भारी पड़ी कि उसका जमीन आसमान एक हो गया। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कर्नाटका 2001 से, जहां एक डाकू ने उस वक्त के सुपरस्टार जीवराम को किडनैप कर लिया होता है। इससे गुस्सा होकर उसके फैंस ने शहर भर में दंगे शुरू करवा दिए होते हैं और सब डिमांड कर रहे थे कि जीवराम को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। लेकिन उस डाकू ने जीवराम को छोड़ने के बदले में 15 करोड़ रुपए डिमांड किए थे, जो कि एक काफी बड़ी रकम थी उस वक्त के हिसाब से भी, और आज के टाइम से भी ये कोई छोटी रकम नहीं है। सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस वाले यही डिस्कस कर रहे थे कि जीवराम को कैसे छुड़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जेके तेलगी से कहता है कि अब हम चूहा बनकर नहीं रह सकते और हमें कोई तरीका ढूंढ निकालना पड़ेगा ताकि ये लोग फिर से हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि अब सारे पॉलिटिशियंस, पुलिस और भी दूसरे लोग लालची बन गए थे। अब्दुल डिसाइड करता है कि सबके साथ नए से हिसाब करना पड़ेगा। अब्दुल सबके साथ नए से हिसाब शुरू करता है उनके अमाउंट डिसाइड करके। लेकिन अब्दुल इस बार कॉल पर जो भी अमाउंट डिसाइड करता है उन्हें देते टाइम वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और ये सारी रिकॉर्डिंग्स बैंक के लॉकर में रखवा देता है। वो ये इसलिए करता है क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो सारी रिकॉर्डिंग्स उसके काम आ सकती है। और अब्दुल की डांस बार वाली बात कर्नाटका तक पहुंच गई होती है और वहां से फहीम शेख उसे तुरंत वहां पहुंचने को कहता है। वहां पहुंचने के बाद शेख उससे 15 करोड़ रुपए मांगता है सुपरस्टार जीवराम को उस डाकू से छुड़ाने के लिए, क्योंकि शेख ऐसा करता है तो कर्नाटका में उसकी पावर और भी बढ़ जाएगी, जिसका फायदा वो कहता है कि तेलगी को भी देगा। तब तेलगी कहता है कि वो पैसे देने को तो तैयार है, बस उसे उसके बदले में उसके भाई को मिनिस्ट्री में सीट दिलवानी होगी। लेकिन शेख ये बात नहीं मानता और तेलगी वहां से चला जाता है। शेख का सीनियर उसे बताता है कि अगर शेख को मिनिस्ट्री चाहिए तो अब्दुल को मनाना होगा। अब्दुल अब अपनी वाइफ नफीसा से मिलने जाता है, जो कि उस पर बहुत गुस्सा होती है। अब्दुल उससे रात को बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात भी नहीं करती। अगले दिन जब अब्दुल सुबह उठता है तब वो नफीसा और उसकी बेटी को देख नहीं पाता, क्योंकि वो लोग उसे छोड़कर जा चुके थे। यहां शेख का सीनियर और मिनिस्टर का पीए अब्दुल से पैसे निकलवाने के लिए उसे फंसाने का प्लान करता है, जिसके लिए उसने डीसीपी अरविंद को अपॉइंट किया होता है और अरविंद ने पुलिस ऑफिसर रजनीकांत को, नहीं अपने थलाइवा वाले रजनीकांत नहीं, उस पुलिस ऑफिसर का नाम ही रजनीकांत है। दूसरी ओर अब्दुल से मिलने सुलेमान की माँ आती है। सुलेमान वही है जिसको अब्दुल ने उसके साथ गद्दारी करने की वजह से मार दिया होता है, जिस बात का गिल्ट अब्दुल को आज तक है और इसी वजह से वो सुलेमान की माँ को हर महीने पैसे ट्रांसफर करता है सुलेमान के नाम पर, जहाँ उसकी माँ को भी यही लगता है कि सुलेमान गल्फ कंट्री में है, बस वो उससे बात नहीं करता। जब वो वहां से चली जाती है तब अब्दुल को अचानक से अटैक आता है। वहीं रजनीकांत ने भी कर्नाटका में अब्दुल का स्टैम्प पेपर वाला ट्रक कैप्चर कर लिया होता है, जिसकी वैल्यू 90 लाख होती है। ये मामला संसद में उठाया जाता है और बहुत हंगामा होता है। वहीं हॉस्पिटल में अब्दुल से उसकी वाइफ और बच्ची मिलने आते हैं, लेकिन ट्रक कैप्चर होने की न्यूज सुनते ही उसे कर्नाटका में पीए से मिलने जाना पड़ता है और अब्दुल उसे 15 करोड़ दे देता है, क्योंकि अब्दुल को पता था कि उसके ट्रक को इन्हीं लोगों ने पकड़वाया है, जिसके बदले में अब्दुल अपने भाई के लिए मिनिस्ट्री में एक सीट मांगता है और इस बार पीए मान जाता है। यहां सारी सिचुएशन फिर से पहले जैसी हो रही थी। गवर्नमेंट ने अब्दुल के दिए पैसों से जीवराम को छुड़ा दिया होता है और अब्दुल के भाई को मिनिस्ट्री में सीट भी मिलने वाली होती है। यहां तक कि उसके ट्रक को भी कोई पुलिस ऑफिसर हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन तभी अब्दुल को पता चलता है कि उसे जो अटैक आया था वो किसी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं बल्कि HIV की वजह से आया था, जिस बात से उसकी हालत सच में पतली हो जाती है। वो उस बाहर वाली लड़की से मिलने जाता है और उस पर खूब चिल्लाता है, लेकिन यहाँ वो लड़की उसे बताती है कि उसका तो रेगुलर चेकअप होता है, उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अब अब्दुल की वजह से ये बीमारी अब शायद उसे भी हो गई होगी, तो उल्टा वो अब्दुल पे ही चिल्लाने लगती है और वहां से भगा देती है। अब्दुल ये बात जेके को भी बताता है। अब जेके उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ का भी चेकअप करवा ले, कहीं अब्दुल से ये बीमारी उसकी वाइफ को ना लग गई हो। लेकिन अब्दुल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बीच कई सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब आगे होगा भी नहीं। वो अपनी वाइफ और बच्ची से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और उन्हें किसी तरह से कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद सब साथ में मस्जिद जाते हैं। तभी ओपोजिशन पार्टी के लीडर को रजनीकांत एक लिस्ट बताता है, जिसमें कि 23 लोगों के नाम थे जो कि स्टैम्प पेपर फ्रॉड में शामिल हो सकता है और इसमें तेलगी का भी नाम शामिल होता है। वो ये लिस्ट सीधा मीडिया में बताता है और तुरंत ही इस पर एक्शन लेने को कहता है, वरना वो खुद को आग लगा देगा। यहां स्ट्रेंज बात ये थी कि लिस्ट में से पुलिस वालों ने एक भी आदमी को नहीं पकड़ा था
और तेलगी के साथ डील होने की वजह से उसे तो पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन पीए यहाँ उन्हें तेलगी को अरेस्ट करने को कह देता है और पुलिस प्रेशर में आकर अब्दुल को अरेस्ट कर लेती है फिर से उसी की फैमिली के सामने, जैसा कि हमें सीजन 1 में देखने को मिला था और यही चीज शाहिद मूवी में भी, जहाँ मेन कैरेक्टर को हर बार उसकी फैमिली के सामने ही पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। और वहीं अगर आपने शाहिद मूवी नहीं देखी है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस वीडियो के बाद उसे एक बार ट्राई जरूर करना, जो कि काफी अच्छी और एक ट्रेजिक स्टोरी है। खैर, अब्दुल पीए पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन वो उसे मना लेता है, जेल में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो जल्द ही उसे बाहर निकाल लेगा, और अब्दुल ना चाहते हुए भी अरेस्ट हो जाता है।